स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से। कल हमने जनवरी महीने के कुछ प्रश्न किए थे और आज जो है जनवरी के जो प्रश्न बचे हुए थे उनको फरवरी के महीने के साथ ही ख़त्म करेंगे। तो आज दो महीने की बात होगी क्वेश्चन करंट अफेयर की, तो इसमें जनवरी से लेके आपका जनवरी से क्या होगा फरवरी तक का, ठीक है, इन दो महीनों की करंट अफेयर होगी। तो आज की क्लास आप जो है लास्ट तक बने रहिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस देश के साथ भारत ने 12 से अधिक चीते लाने के लिए समझौता किया है। समझौता को आप देखेंगे MOU भी कहीं कहीं पर लिखा होता है, तो समझौते MU का मतलब होता है, MOU का मतलब ही समझौता होता है। तो भारत ने 12 चीते लाने की जो समझौता की है, जो हस्ताक्षर किया है, वो किस किस देश के साथ किया है, दक्षिण अफ्रीका के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के चुनाव आयोग ECI ने किस राज्य में मिशन 929 शुरू की है। तो मिशन 929 शुरू किया है त्रिपुरा राज्य में। त्रिपुरा राज्य कहाँ पर है आपका, भारत का पूर्वी एरिया आता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, DRDO ने 1 जनवरी 2003 को अपने स्थापना दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई है। तो ये मनाई है 65वीं वर्षगांठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा एक क्वेश्चन और आता है इसमें कि DRDO की स्थापना किस सन में हुई थी। तो DRDO 1958 में इसकी स्थापना हुई थी, किसकी, DRDO की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा विंटेज वाहनों यानी दो पहिया और चौपहिया यानी चार पहिया दोनों के लिए अलग पंजीकरण प्रक्रिया करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बन गया है। तो ये बन गया है आपका उड़ीसा राज्य। उड़ीसा राज्य में, उड़ीसा से नाम आपको याद आ रहा होगा, उड़ीसा में कौन सा मंदिर है, सूर्य मंदिर, सूर्य मंदिर, और जिसे ब्लैक पगोड़ा कहते हैं। दूसरा आपका क्या है, यहाँ पर भीतरकनिका अभयारण्य यहाँ पर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गुजरात के किस राज्य को 1 जनवरी 2023 को अपना पहला इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मोबाइल है, क्या है, मोबाइल डिवाइस मिला है। तो ये मिला है गुजरात के किस शहर को, अमरेली शहर को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टाटा समूह के दिग्गज आर के, कौन, दिग्गज आर के कृष्ण कुमार का निधन हो गया है, उन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो इन्हें कब किया गया था, 2009 में, ठीक है। अभी कल का क्वेश्चन है आपका, चंद्रयान थ्री में एक महिला थी जो अकाउंट करती थी, तो वो कौन है, उनका जो निधन हो गया है, तो आप उनका जो है एक बार सर्च करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, 1 जनवरी 2023 को सत्येंद्र नाथ बोस की 129वीं जयंती मनाई गई है, उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। इन्हें क्या किया गया था, सत्येंद्र नाथ बोस को 1954 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, ठीक है। इनकी 129वीं जयंती मनाई गई है कब, 1 जनवरी 2023 को, ठीक है, इम्पोर्टेंट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1 जनवरी 2023 को कोरेगांव भीमा की 1 जनवरी 2023 को कोरेगांव भीमा की लड़ाई की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है। तो ये 205वीं वर्षगांठ मनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने राष्ट्रीय टीम के लिए चुने जाने वाले खिलाड़ियों के लिए यो यो टेस्ट अनिवार्य कर दिया है। तो ये क्या है, BCCI ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रधानमंत्री मोदी सिख 6 और 7 जनवरी कब, 6 और 7 जनवरी को क्या किया, 2023 को, 6 और 7 जनवरी 2023 को दिल्ली में मुख्य सचिवों के दूसरे राष्ट्रीय, क्या है,
दूसरे राष्ट्र सम्मेलन की अध्यक्षता की जो है सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। जून 2022 में प्रथम सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था धर्मशाला में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रधानमंत्री मोदी 13 जनवरी 2023 को वाराणसी उत्तर प्रदेश से किस शहर के लिए दुनिया के सबसे लंबे नदी क्रूज, दुनिया का सबसे लंबा नदी क्रूज होगा ये, जिसका नाम है गंगा विलास, इसका शुभारंभ करेंगे कहाँ से? तो असम के डिब्रूगढ़ से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 3 जनवरी 2023 को ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, ओडिशा के मुख्यमंत्री नया क्वेश्चन बन गया आपका, कौन है? नवीन पटनायक ने अगले एक वर्ष के लिए क्या किया है? खाद्य सुरक्षा योजना SFSS के लाभार्थियों को प्रति माह कितने किलोग्राम चावल फ्री में वितरित करने का निर्देश दिया है, यानी बांटने का निर्देश दिया है? तो ये दिया है 5 किलोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य में मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में, मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में ग्रीन फील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे मोपा के नामकरण के लिए क्या किया है? कार्यवत्तर स्वीकृति दी है। तो ये है गोवा की, इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिमाचल विधानसभा का अगला स्पीकर कौन बनने वाला है? कौन? हिमाचल विधानसभा का, तो ये बनने वाले हैं आपके कुलदीप सिंह पठानिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मणिपुर का कौन सा समुदाय हर साल फसल के मौसम के बाद क्या करता है? गान नगाई उत्सव मनाता है। क्या कौन सा उत्सव है? गान नगाई। आपके जो सिलेबस में है त्योहार भी हैं और आपके संगीत भी है, तो इसमें आपका क्या आ जाएगा? गान नगाई उत्सव जेलिया रोंग है। ठीक है, चलिए अगला है आपका, भारत का 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव, युवा महोत्सव किस राज्य में होगा? तो ये होगा आपका कर्नाटक राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में समाचारों में देखा गया शब्द बीरो वोर क्या है? बीरोर क्या है आपका? बीरोर क्या है आपका? ऐसे जीव जो वायरस खाते हैं। तो बीरो और क्या खाता है? वायरस खाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा देश 46वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का थीम देश जो है, मेले का थीम देश होगा? तो ये होगा आपका स्पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 जनवरी 2023 को भारत ने किस देश के साथ नई दिल्ली में 36वीं सामरिक, कौन सी 36वीं सामरिक जो है वार्ता आयोजित की है? तो ये की है फ्रांस के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 7 जनवरी 2023 को विजेताओं को डिजिटल इंडिया अवार्ड्स, कौन सा? डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 प्रदान करेगी। तो ये है पुरस्कारों की घोषणा कितनी श्रेणियों में की गई है? तो इन पुरस्कार जो है पुरस्कारों की घोषणा जो है 7 श्रेणियों में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में डार्क इकाई जो है स्काई रिजर्व, डार्क स्काई रिजर्व खबरों में रहा है, निम्न में से कौन इसे सही ढंग से समझाता है? तो ये समझाता है न्यूनतम कृत्रिम प्रकाश हस्तक्षेप वाली भूमि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य ने घोषणा की जो है, किस राज्य ने घोषणा की है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जल्द ही क्या आएगा, 122 नए खेल परिसर बनाए जाएंगे? तो ये घोषणा किया है महाराष्ट्र राज्य ने। अगला क्वेश्चन है आपका, केंद्र ने किसे गैर कानूनी गतिविधि यानी रोकथाम अधिनियम UAPA, ठीक है, UAPA के तहत आतंकवादी संगठन घोषित किया है? तो ये किया है द रेजिस्टेंस फ्रंट को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत किस देश में महिला शांति सैनिकों की एक पलटन तैनात कर रही है? तो ये कर रहा है भारत महिला शांति सैनिकों की पलटन, तो ये है आपका किस देश में? सूडान देश में। ठीक है, नेक्स्ट है इमो इनु दिवस, इमो इनु दिवस इनमें से किस राज्य में मनाया गया है?
या मनाया जाता है तो ये मनाया जाता है मणिपुर में एक हादसा हुई है, तो उस हादसे पे भी आप ध्यान रखिएगा, वहाँ से क्वेश्चन बनने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा शहर 9 से 11 जनवरी 2023 के बीच G20 के ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर फाइनेंशियल इक्लूजन वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक की मेजबानी करेगा? कौन सा शहर? तो ये करेगा आपका कोलकाता शहर। उत्तर है आपका 37। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अमेरिका में पहली जो है महिला सिख जज, पहली महिला सिख जज कहाँ पर अमेरिका में कौन बनी है? मनप्रीत मोनिका सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अपनी नई पुस्तक रेवोल्यूशन रीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वॉन इट्स फ्रीडम, इसका विमोचन किसने किया है? तो इसका विमोचन किया है संजीव सन्याल ने। क्या है? रिवोल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वॉन इट्स फ्रीडम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 23 और 24 जनवरी 2023 को एक सैन्य टैटू और जनजातीय नृत्य उत्सव आदि शौर्य पर्व पराक्रम का किस शहर में आयोजित किया गया है? क्या है? आदि शौर्य पर्व पराक्रम, तो ये किया गया है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रवासी भारतीय दिवस के 17वें संस्करण क्या है? 17वें संस्करण का थीम क्या है? तो ये है आपका डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडिया प्रोग्रेस इन अमृतकाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्र सरकार ने लद्दाख की अनूठी संस्कृति, कहाँ की? लद्दाख की, भाषा और रोजगार की रक्षा के उपायों पर चर्चा करने के लिए एक समिति का गठन किया है। समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी? तो ये की जाएगी नित्यानंद राय के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, जनवरी 2023 में अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के स्पीकर के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है केविन मैकार्थी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में प्रोफेसर रहमान राही का निधन हो गया है, उन्हें किस वर्ष पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये सम्मानित किया गया था आपका 2000 में, प्रोफेसर रहमान राही। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, COVID-19 के खिलाफ लड़ाई जो है में योगदान के लिए किसे पतंग राव कदम पुरस्कार आधार पूनावाला को मिला है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सानिया मिर्जा ने फरवरी 2023 में दुबई में WTA 1000 कार्यक्रम में पेशेवर टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है, उन्होंने कितने ग्रैंड स्लैम युगल किताब जीते हैं? तो उन्होंने 6 ग्रैंड स्लैम युगल किताब जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 8 जनवरी 2023 को किस शहर में आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 शुरू हुआ है? तो यह शुरू हुआ है अहमदाबाद गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गैरेथ वेल ने 9 जनवरी 2023 को संन्यास की घोषणा की, वह निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़े हैं? तो ये जुड़े हैं आपके फुटबॉल खेल से। अगला क्वेश्चन है, किसने जनवरी 2023 में हिमालय की सीमा में रसद संचालन करने के लिए एक मानव रहित हवाई वाहन UAV विकसित किया है? तो ये किया है DRDO ने। अगला क्वेश्चन है आपका, आसिफ शेख को आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2022 का प्राप्तकर्ता नामित किया गया है, वह किस देश से संबंधित है? आसिफ शेख, तो ये संबंधित है आपके नेपाल से। अगला क्वेश्चन है, 26 जनवरी 2023 को कितने कर्मियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति के अग्निशमन सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? तो ये है 47। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नाबालिग लड़कियों से शादी करने वाले पुरुषों को कठोर कानून के तहत कारावास देने की घोषणा की है? तो ये की है असम सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रलय दिवस
मनाया गया है, तो ये मनाया गया आपका अंतर्राष्ट्रीय प्रलय दिवस 27 जनवरी को। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में कहाँ 13वीं सदी के हौसला काल का हीरो स्टोन का आयोजन हुआ है, जो है खोजा गया है, तो ये किया गया है, खोजा गया है कहाँ पर, कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड बैंक ने सबसे तेजी से बढ़ते देशों में से एक बनने के लिए किस देश की सराहना की है, तो ये की है बांग्लादेश की, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में महिला क्रिकेटरों को सम्मानित करने के लिए किस देश के ने डेवी हॉकले मेडल प्रारंभ करने की घोषणा की है, तो ये की है न्यूजीलैंड ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश विश्व के पहले फोटोनिक आधारित क्वांटम कंप्यूटर का व्यवसायीकरण किया है, तो ये क्या है, व्यवसायीकरण किसने, कनाडा ने। अगला क्वेश्चन है, जे जमुना का निधन हुआ है, कौन थी जे जमुना, जे जमुना थी तेलुगु अभिनेत्री एवं पूर्व संसद थी, तेलुगु की अभिनेत्री थी और पूर्व की संसद थी, जो है सांसद थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस इंडो अमेरिका को अमेरिकी वायुसेना में ब्रिगेडियर जनरल ग्रेड पर नियुक्त किया गया, तो ये है राजा जे चारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाजरे की खेती को बढ़ावा देने के लिए नेशनल मिशन क्लीन गंगा NMCG सेमिनार का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ये किया गया है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोयोटा ने किसे नए CEO के रूप में नामित किया है, तो टोयोटा ने किया है कोजी शातो को। अगला क्वेश्चन है आपका, जैविक गुणवत्ता पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया है, तो ये किया है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और जापान के बीच कौन सा संयुक्त 2023 संयुक्त अभ्यास हुआ है, तो ये क्या है, भारत और जापान के बीच होता है बीर गॉर्जियन 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टर्स समिट 2023 में निवेश आकर्षित करने में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है, तो रहा है झांसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ICC स्प्रिट ऑफ क्रिकेट दोबारा आ चुका है, तो ये 2022 का अवार्ड किसे दिया गया है, ये दिया गया है आसिफ शेख, जो कहाँ के हैं, नेपाल के क्रिकेटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए ऑस्कर नामांकन पर पाने वाली पहली एशियाई अभिनेत्री कौन बनी है, तो ये बनी है एम यो, ये कहाँ की है, मलेशिया अभिनेत्री हैं, ठीक है। अगला है, किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा सीमा सुरक्षा बल का मोबाइल ऐप क्या है, मोबाइल ऐप का क्या नाम है, सीमा सुरक्षा का प्रहरी और मैनुअल लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया है आपका केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IOCL ने उत्तर प्रदेश और किस राज्य में तीव्र TB उन्मूलन का परियोजना प्रारंभ किया है, तो ये किया है छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेडिकल कॉलेजों में ई सुश्रुत अस्पताल का प्रबंधन किया का उद्घाटन किया है, तो ये किया है उत्तर प्रदेश ने। तो ये थे आपके जनवरी और फरवरी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके पेट के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो आई होप आज की जो क्लास है आपको अच्छी लगी होगी, और ये क्लास सिर्फ पेट के लिए नहीं, आने वाले हर एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। तो चैनल पर लास्ट तक बने रहिएगा, अगर डेली आपको करंट अफेयर चाहिए तो आपको डेली यहाँ पर उपस्थित होना पड़ेगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।